भारत माता की, हमारे कोरोना योद्धा की। कोरोना योद्धा जिंदाबाद। भारत माता की जय। थैंक यू नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे विश्व में एक कोरोना वॉरियर वर्ड ऐसा है जो सारे हर एक प्राणी के कान में पहुंचा है, हर आदमी की नॉलेज में है, और हमें गर्व होता है कि हम वो वॉरियर्स हैं। मेरे साथी वो वॉरियर्स हैं। वॉरियर वर्ड से ऐसा लगता है कि हम एक देश की सेवा कर रहे हैं। एक वॉरियर वो है जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ता है, और एक वॉरियर्स ये हैं जो हमारे देश की पूरे पॉपुलेशन के लिए, पूरी जनता के लिए देश की हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं। मैं इन सभी को नमन करता हूं और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। वो ये स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद। सभी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के विरोध में जंग लड़ रहे हैं। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमें मेडिकल में सहयोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, इसी कामना के साथ आज पूरा भारतवर्ष चिकित्सा परिवार अपनी सेवा में लगा है भारत माँ की। मैं भारत माँ से निवेदन करता हूँ, इन सबकी रक्षा करें, इन्हें अपनी आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इनका हौसला कम ना हो, क्योंकि अगर इनका हौसला कम हो गया तो मातृभूमि कहीं ना कहीं हर जाएगी। इसलिए इनका हौसला रहेगा तब तक मातृभूमि की जय जयकार है, क्योंकि मातृभूमि का आंचल तब तक खुशहाल रहता है जब तक उसके बेटे इस दुनिया में खुशहाल रहते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इनका हौसला बढ़ाएं, इन पर पत्ता ना बरसाएं, इनका स्वागत करें फूलों से। हम सब आपके लिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ट्रॉमा सेंटर, जैसे कि हमारे भाटी जी ने बोला, ये कोरोना में जो भी लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, हमें सभी वो लोग भी सहयोग के पात्र हैं जो 130 करोड़ लोग लॉकडाउन के समय घर में रह के हमारा साथ दे रहे हैं। उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी जितने भी वॉरियर हैं उनको भी धन्यवाद। हम आपके साथ हैं 24 घंटे। जय हिंद, जय भारत। हमारे वॉरियर्स पर सब पे गर्व है। इसके अलावा हॉस्पिटल कर्मचारियों के अलावा पुलिस जो दिन रात अपनी मेहनत कर रही है, सभी मेरा तो देशवासियों सभी देशवासियों से ये विनती है कि सब अपने घरों में रहें और देश की रक्षा करें। जय हिंद। नमस्कार। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारे 12 जो है ओटी टेक्नीशियन जो हमारे भाई हैं, आज अपनी जो प्रथम उनका जो चरण था काम करने का, वो पूरा करके सफलतापूर्वक अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। आप सभी को सलाम इन 12 हमारे जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट भाई हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन में आके जो है कोरोना आईसीयू के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान की, और ना केवल सेवाएं प्रदान की बल्कि जो सेकंड लाइन के और थर्ड लाइन के जो हमारे दूसरे भाई बंधु हैं उनको भी एक संदेश दिया कि जब हमने ये लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई जीती है, आप भी इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए और एक कोरोना वॉरियर के तौर पे जो है देश का मान सम्मान बढ़ाइए और कोरोना को हराएं और देश को जिताएं। तो मेरा सभी साथियों से जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जब भी जाएं अपने परिवार, ना केवल परिवार बल्कि जितने भी दूसरे हमारे भाई बंधु हैं अलग अलग हॉस्पिटलों के, उनको भी जाके हौसला अफजाई कीजिए। और इसी के साथ जो सफाई कर्मचारी है, दिल्ली पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, सबको सलाम कीजिए, सलूट कीजिए, क्योंकि जब एक योद्धा दूसरे योद्धा को सलाम करेगा, सम्मान देगा, तभी हमारी असल में जीत। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।